तो झारखंड बीजेपी की जो नई कमेटी है उसका गठन हो गया। हमने देखा कई नई चेहरे जो हैं उसमें शामिल किए गए, क्योंकि इससे पहले खुद बीजेपी के जो दीपक प्रकाश है प्रदेश अध्यक्ष, वो इससे पहले जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली गए थे और इसी संबंध में वो मुलाकात करने गए थे और उसी वक्त ये खबर मिल गई थी कि इस बार जो कमेटी में बदलाव होंगे बड़े स्तर पर होंगे, कई ऐसे चेहरों को मौका मिलेगा, खासतौर पर युवा चेहरों को आगे किया जाएगा। लेकिन वाकई में ये टीम आगे कितना कमाल दिखा पाएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता अंजनी बने हुए हैं रांची से और धनबाद से अभिषेक बने हुए हैं, जमशेदपुर से प्रभात बने हुए हैं उनके पास। सबसे पहले प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, हमने देखा कि झारखंड बीजेपी की एक नई कमेटी का गठन हो गया। लंबे समय से इस गठन को लेकर, इस टीम को बनाने को लेकर, कमेटी को बनाने को लेकर बैठकें हो रही थी, मंथन किया जा रहा था। इससे पहले खुद दीपक प्रकाश जो है दिल्ली जाकर जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी, सूची उसके बाद तैयार हुई। हमने देखा है कि बहुत बड़ा एक तरह से 19 नए चेहरे हैं जिनको इस नए कमेटी में जगह दी गई है। बिल्कुल अमिता, देखिए पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि प्रदेश कमेटी की नई कमेटी की घोषणा होना है। इसको लेकर दीपक प्रकाश जी काफ़ी बैठक भी किए। अगर हम रांची की बात करें तो रांची में काफ़ी बैठकों का दौर चला, उसके बाद पूरे जमशेदपुर में भी जिला अध्यक्षों की जो घोषणा को लेकर रायशुमारी पहले की गई थी, काफ़ी हर एक जिला में जाकर संगठन के द्वारा वहां पर रायशुमारी की गई थी, उसके बाद फिर प्रदेश में बैठक हुई, उसके बाद फिर जेपी नड्डा से मुलाकात की। निश्चित है ये जो भाजपा है अब नई ऊर्जा के साथ काम करेगी, इसमें कई नए चेहरे को भी शामिल किया है, साथ ही साथ युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। अगर प्रदेश कमेटी की बात करें या फिर जिला अध्यक्षों में हम ये कहें तो नए चेहरों को भी शामिल किया गया और युवा चेहरों को शामिल किया गया। अगर हम अगर इस अपने कोल्हान की अगर हम बात करें तो जो पूर्व विधायक है कुणाल सारंगी को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है, साथ ही गुंजन यादव जो ये काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि गुंजन यादव पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की काफ़ी करीबी है, उनके नाम की चर्चा काफ़ी जोरों से चल रही थी और कल देर रात उस पर मोहर भी लग गया है और गुंजन यादव को काफ़ी बधाई लोग भी दे रहे थे। इससे पहले भी घोषणा के पहले भी काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चाएं चल रही थी कि गुंजन यादव ही प्रदेश अध्यक्ष, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिला अध्यक्ष होंगे। तो कल घोषणा हो गई, अब आज ही जिला अध्यक्ष जो पूर्व जिला अध्यक्ष कहें या दिनेश जो है उनको आज अपना प्रभार सौंपेंगे उसको और उसके बाद नई कमेटी की ऊर्जा से काम करेगी। हाँ, एक चीज़ जरूर है अमिता कि जो अगर हम कहें जो पिछले दिनों जो JVM से का विलय भाजपा में हुआ था और कद्दावर नेता कहे जाते हैं अभय सिंह, उनको कहीं ना कहीं जो कमेटी बनाई गई है उसमें कहीं जगह नहीं दी गई, तो ये चर्चाएं हो रही हैं लोगों में कि आखिर प्रदेश में इनको भी जगह मिलना चाहिए। हालांकि संगठन इस पर तय करेगा कि किस तरीके किसको क्या पार्टी का जिम्मेवारी देना है, लेकिन हम ये कहें कि अब नई ऊर्जा के साथ आने वाले जो 5 साल है उसमें भाजपा अपना संगठन को और मजबूत करेगा। ऐसी कहा जाता है कि भाजपा जो है संगठन की पार्टी है, छोटे छोटे बूथ स्तर पर कार्यकर्ता इतने मजबूत होते हैं, तो ये जो नए फौज तैयार किए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष ने, आने वाले दिनों में निश्चित है कि और भी मजबूती प्रदान करेगा इस नई कमेटी को लेकर। जी अमिता, बिल्कुल देखना पड़ेगा और इंतजार भी करना होगा कि ये नई कमेटी जो है उसमें जो नए चेहरे आए वो आने वाले दिनों में कितना कमाल दिखा पाते हैं। हमारे साथ रांची से संवाददाता अंजनी भी जुड़े हुए हैं। अंजनी, हमने देखा है कि प्रदेश भाजपा की कमेटी में 2 दर्जन से नए चेहरे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा नए चेहरों को जगह दी गई है। 19 नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव खेला है, कितना कमाल कर पाएंगे ये चेहरे, ये नई टीम? देखिए, दीपक प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके अलावा वो राज्यसभा के मेंबर भी वो चुने गए हैं। तो जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष होता है तो वो अपनी एक टीम बनाता जरूर है, लेकिन पूरी टीम में जो है सभी चीज़ों का समन्वय होता है, मतलब हर समीकरण को जो है इसमें जगह दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो 105 लोग इस पूरे कार्य समिति में चयनित हुए हैं तो एक संतुलित टीम जरूर कहा जा सकता है, और ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें जगह दी गई है जो काफ़ी वर्षों से पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे थे। और वैसे में यदि हम कहें तो अनंत ओझा को जो है इस बार जगह नहीं मिली है, लेकिन इसके साथ साथ एक दो बातें हैं अमिता। एक तो झारखंड विकास मोर्चा से जो लोग आए और एक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो लोग आए हैं उन्हें तरजीह दी गई है, उन्हें जगह दी गई है। जैसे कुणाल सारंगी को देखेंगे तो उन्हें
ये प्रवक्ता बनाया गया है और झारखंड विकास मोर्चा से सरोज सिंह आए हैं, उन्हें भी प्रवक्ता बनाया गया है। तो इन तमाम चीज़ों का जो समीकरण है, इसके साथ साथ ये भी जरूर कहा जा सकता है, भले रघुवर दास को इसमें जगह नहीं मिली है, लेकिन रघुवर दास के जो समर्थक रहे हैं उन्हें इस कार्य समिति में जगह दी गई है। और अभी देखिए 19 जिलों का जो जिला अध्यक्ष है उसका चयन हुआ है, तो अभी जो है लगभग 6 से 7 जिलों का चयन होना बाकी है। तो एक संतुलित समीकरण है, महिलाओं को तरजीह दी गई है और आरती कुजूर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो तमाम समीकरण जो है ये कहा जा सकता है कि एक संतुलित टीम है। और खुद देखिए दीपक प्रकाश जो है उनका यदि इतिहास देखेंगे तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आगे बढ़ते बढ़ते प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उसके बाद जो उनकी जो टीम होगी इनका जो नज़रिया होगा, जाहिर सी बात है कि एक बेहतर टीम का चयन इन्होंने किया है। और आने वाले समय में यही पूरी टीम जो है पूरे भाजपा के लिए काम करेगी और संगठन को मजबूत करेगी। तो ये एक कहा जा सकता है कि पार्टी में कई नए लोगों को जो जगह दी गई है उन्हें जरूर अंजलि, इस पार्टी में संगठन को मजबूत करने में महिलाओं की एक अहम भूमिका हमने देखा है कि रही है, और लगातार इस पार्टी ने महिलाओं को एक उस तरह से तरजीह भी दी है, चाहे चुनाव हो चाहे पार्टी के अंदर पद हो। और इस बार अगर हम कमेटी में जगह की बात करें तो इस बार भी हमने देखा है कि अच्छी खासी महिलाओं की संख्या है जिनको अच्छी तरजीह दी गई है पार्टी के इस कमेटी के अंदर। देखिए जैसे अन्नपूर्णा देवी को का नाम है, इसके साथ साथ ये अपर्णा सेन गुप्ता का नाम है, तो ये एक जो चेहरा है ये एक सशक्त चेहरा है पार्टी के लिए। देखिए अन्नपूर्णा देवी जो है राजद छोड़ के बीजेपी में आई थी और उसके बाद जो है यहाँ लोकसभा की वो सदस्य भी हुई, तो पार्टी को जो है ऐसे लोगों पर भरोसा है। और यही वजह है कि अब पार्टी चाहती है कि पार्टी में तमाम महिलाओं को भी बेहतर तरीके से बेहतर पोजीशन में दिया जाए, ताकि जो महिला संगठन है या जो महिला कार्यकर्ताएं हैं राज्य में उनको उनका एक नेटवर्क बेहतर नेटवर्क बने और जो आने वाले समय में पार्टी को मजबूत महिला संगठन ज़्यादा करती हैं, क्योंकि ये महिलाएं जो हैं घर घर आराम से जाती हैं, महिलाओं से बातचीत करती हैं, सहायता समूह बनाती है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो टीम बनी है कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे बढ़ाने में, बीजेपी को मुकाम हासिल करने में ये जो पूरी टीम है वो जरूर मदद करेगी, और आने वाले समय में एक सकारात्मक रिजल्ट की भी जो है उम्मीद इस टीम से मतलब पार्टी के लोग कर सकते हैं। अंजनी आपको रोकेंगे, हमारे साथ धनबाद से कुंदन भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। कुंदन, जिस तरह से हमने देखा कि झारखंड भाजपा के नई कमेटी की घोषणा हो गई, तमाम नाम है उनकी फहरिस्त सामने आ चुकी है, कई नए चेहरों को उसमें जगह दी गई है, महिलाओं को भी इसमें तरजीह दी गई है, लेकिन इनके लिए कितनी चुनौती होगी इस नई टीम के लिए? मैं आपको अमिता बता दूं कि दीपक प्रकाश ने एक नई टीम जो बनाई है वो मजबूत टीम है, जिसमें अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी सहित 3 महिलाओं को मौका दिया गया है, और धनबाद की निशा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली भाजपा की जो विधायक है अपर्णा सिंह गुप्ता, वो जो बंगाल की पहले प्रभारी थी इस बार उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और प्रदेश में कई युवाओं को मौका मिला है, 3 महिला अन्नपूर्णा के सहित 3 महिलाओं को मौका मिला है। तो ये टीम जो है एक मजबूत टीम बनी है, और झारखंड विकास मोर्चा से भाजपा में विलय के बाद उनके कई कैडर को इस टीम में मौका मिला है, जैसे सरोज सिंह उनको प्रवक्ता बनाया गया है। तो ये टीम जो है मजबूत है, लेकिन अब देखना यह है क्योंकि अब सरकार के विरोध में ये टीम कितना जो है आंदोलन कर पाएगी, दीपक प्रकाश को ये चुनौती है। जी अमिता, बिल्कुल दीपक प्रकाश के लिए भी चुनौती होगी और कुंदन उनकी टीम के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि अब जो नई टीम बनी है उनके सामने कई ऐसे अभी चुनौतियां सामने आने वाली है जिसका सामना करना होगा और प्रूफ भी करना होगा कि ये बेहतर टीम है भी या नहीं। अंजनी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अंजनी, हमने देखा है कि नई टीम की गठन तो हो गई है, कई ऐसे चेहरों को मौका दिया, इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि युवा चेहरों को आगे रखा जाएगा, उन्हें मौका दिया जाएगा और काम करने के लिए मौका दिया जाएगा। उसी तरह से हमने महिला मोर्चा में भी देखा कि बहुत बदलाव किए गए हैं,
कई ऐसे चेहरे हैं जिनको बदलकर उसकी जगह दूसरे चेहरे लाए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि कई और भी जो लोग थे पार्टी के अंदर वो इस नई कमेटी में शामिल होना चाहते थे, काफी लंबे समय से जदोजहद कर भी रहे थे, क्या लग रहा है जब उन्हें जगह नहीं मिली है इस टीम में आगे पार्टी के अंदर कोई उलगुलान हो सकता है, किसी तरह के लोग नाराजगी भी दिखा सकते हैं जिसका खामियाजा पार्टी को या फिर ये टीम को भुगतना पड़ सकता है। देखिए अमिता, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि किसी भी दल का यदि कार्य समिति का गठन होता है तो ऐसे में सभी लोगों को जगह नहीं मिलती है, लेकिन पार्टी जो है पहले से तमाम चीज़ों का फीडबैक लेती है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो कार्य को प्रमुखता, मतलब प्रमुखता दी जाती है, आप किस तरह से आपका फील्ड में है, कार्यकर्ताओं के बीच में आप कितना लोकप्रिय हैं और पार्टी के प्रति आप लगातार कितना काम करते रहे हैं, तो इन चीज़ों को जरूर देखा जाता है। लेकिन दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है, झारखंड हो, बिहार हो या यूपी हो, इन जगहों में जो है तमाम जो समीकरण है उन चीज़ों को भी फोकस किया जाता है, क्योंकि इस पूरे समीकरण को संतुलित बनाना भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। तो देखिए कभी भी नई समिति का गठन होता है तो आप हर कोई को खुश नहीं कर सकते हैं, कुछ नाराजगी होती है, लेकिन पार्टी के अंदर जब लोग आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो तमाम चीज़ों का पटाक्षेप हो जाता है, लेकिन नाराजगी जरूर रहती है। और वैसे में अब देखना होगा क्या होगा कि आने वाले समय में जो नहीं जगह बना पाए उनका क्या आगे का रणनीति होगा, लेकिन हर दल में लगभग यही कहानी होती है। और वैसे में पार्टी जो है इन चीज़ों को समझती है और एक बढ़िया से काम करने का एक बड़ा नेटवर्क बनाती है। बिल्कुल, और कुछ सोच समझकर ही ये टीम का गठन किया गया होगा अंजनी। और ऐसे में नए प्रदेश कमेटी में हमने देखा है कि युवा चेहरों को जरूर मौका मिल गया है, लेकिन हमने देखा है, प्रभात के पास चलते हैं, प्रभात ये भी देखा गया है कि कई ऐसे चेहरे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें जगह नहीं मिली है पार्टी में, वो कोशिश करते रह गए क्योंकि नई जब टीम की गठन हो रही थी या उसकी चर्चाएं चल रही थी, उसकी तैयारियां चल रही थी, सब कुछ दीपक प्रकाश के हाथ में था, उसके लिए वो दिल्ली भी गए, वहां पर भी उन्होंने बातें की, चर्चा की और उसके बाद इस पूरे लिस्ट को तैयार किया गया। क्या लग रहा है कई ऐसे और भी इस पार्टी में, इस संगठन में और भी युवा चेहरे हैं जिनको जगह नहीं दी गई है? बिल्कुल अमिता, देखिए जब ये संगठनात्मक जब चुनाव होता है, जब संगठन की जब विस्तार किया जाता तो ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जिन्हें शामिल करने की प्रयास किया जाता है लेकिन वो शामिल हो नहीं पाते। और उसी तरह अगर हम यहाँ जमशेदपुर के आसपास की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी ऐसे चेहरे थे जो ये जो चर्चाएँ हो रही थी कि इन्हें शामिल किया जा सकता है प्रदेश कमेटी में या और भी कुछ जो तैयार किया गया है लिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शामिल नहीं किया गया। तो रोष तो ज़रूर होता है संगठन में, ये चलता रहता है कि काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि ये जिला अध्यक्ष बनेंगे, चाहे इसको यहाँ महामंत्री का पद मिलेगा या फिर ये बनेंगे। जमशेदपुर में भी काफ़ी ऐसे जो चेहरे थे जो काफ़ी दिनों से पार्टी के लिए लगन से काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें संगठन में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन संगठन ये देखता है कि कौन कार्यकर्ता है जो कितने लगन से पार्टी के लिए काम किया है। और पिछले दिनों जब चुनाव हुआ था तो ये भी आकलन किया जा रहा था कि चुनाव में कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा प्रदेश का जो नेतृत्व है या फिर जिला का जो और भी जो पदाधिकारी है किस तरीके से चुनाव के वक्त में काम किया, तो ये सब भी आकलन पार्टी लेवल पर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब दीपक प्रकाश जो है अपनी नई टीम तैयार की है तो ये सब चीज़ों को भी आकलन किया गया था। लेकिन आप जो कह रही हैं कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी रोष जरूर होगी, ये बातें कि हमें शामिल करना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में जो पार्टी जो भाजपा जो है संगठन का पार्टी है, संगठन इसका काफी नीचे लेवल से उठता है और बहुत मजबूत रहता है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो नाराज चल रहे होंगे वो उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन आपने सही कहा कि कुछ लोग ऐसे भी है, कल जब ये घोषणा हुई तो काफी चर्चाएं बाजार में काफी गर्म था कि हमें इन्हें भी शामिल करना चाहिए था, चाहिए आपस में जो भाजपा का जो संगठन है कार्यकर्ता इसमें चर्चाएं हो रही थी कि इन्हें शामिल करना चाहिए था, इनकी जो योग्यता है जितने ये पार्टी के लिए काम किया उनको भी शामिल करना चाहिए, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने काफ़ी आकलन के बाद नई कमेटी की घोषणा की है। और आपने महिलाओं की बात की है तो निश्चित देखिए कहीं ना कहीं जो प्रदेश जो महिला अध्यक्ष का चुनाव किया है तो कहीं ना कहीं पार्टी संगठन ने एक आदिवासी कार्ड भी खेला है,
क्योंकि वो आदिवासी फील्ड से आती है, कहीं ना कहीं हम कहें तो आने वाले दिनों में जो 5 साल पार्टी को किस तरीके से जो संथाल हो या फिर आदिवासी जो बेल्ट है जहां पर लोग ये भाजपा का संगठन कमज़ोर है, चाहे महिलाओं को कमज़ोर ऐसे देखा जाता, वहां महिलाओं को काफ़ी मजबूती से पेश करना, महिलाओं को आगे लाना, तो हम ये कहें तो जिस तरीके से दीपक प्रसाद ने अपनी नई टीम जो तैयार की है, काम तो करना होगा, नई चुनौती भी होगी और आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा कि जो नई कमेटी है वो कितना खरा उतर पाती है इस पे। बिल्कुल, आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि ये टीम कितने चुनौतियों के साथ खरी उतर पाती है। हमारे साथ कुंदन भी बने हुए धनबाद से। कुंदन, हमने देखा है कि कई चेहरों की, जैसे कि अभी प्रभात से भी यही बात हो रही थी कि चेहरे को जगह नहीं मिली, हालांकि संगठन के लिए कई ऐसे लोग हैं, काफी लंबी टीम है, काम करती रही है, लेकिन अब नाराजगी भी दिखने को मिलेगी, रोष भी देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है, ये नाराजगी, ये रोष नई टीम के तमाम कामों में, उनकी चुनौतियों में कहीं करोड़ा बन सकती है? ऑफ कोर्स मिता, आपको मैं बता दूं कि इस टीम में हर समाज के रिप्रेजेंट करने वाले को मौका तो जरूर मिला है, लेकिन रमेश किलुआ की कई टीम में रहने वाले कई को जो है उन चेहरों को हटा दिया गया, जो दीपक प्रकाश के लिए एक चुनौती होगा। दीपक प्रकाश ने इस नई टीम में एक अच्छी काम की है कि बहुत सारे सांसद और विधायकों के, खासकर सभी जिलों के सांसद और विधायकों को इस टीम में रखा है, और इसलिए रखा है कि कम से कम जो, अगर मान लीजिए कि ऐसे 9 अभी जिले हैं जिनके जिलाध्यक्ष की उनकी मनोनीत नहीं हुई है, जैसे धनबाद में ही जिलाध्यक्ष की मनोनीत नहीं हुई है अभी तक। जिलाध्यक्ष के लिए कई लोग जो है जिलाध्यक्ष के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सांसद और विधायक जो है मना रहे हैं सभी कैडर को, लेकिन कोई भी जो संगठन से बिलोंग करते हैं उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। और दीपक प्रकाश के लिए यही एक चुनौतीपूर्ण रहेगा कि कुछ युवा जो बहुत दिन से पार्टी के लिए काम कर रहे थे पिछले चुनाव में भी, उनको मौका नहीं मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रमेश किलुआ की जो टीम जो थी उसमें कई युवा ऐसे थे जिनको हटाकर नए युवा को जोड़ा गया है, तो वो भी लोग जो है इस टीम को जरूर कहीं ना कहीं अंदर से चोट पहुंचाएंगे। कई महिलाओं को तो जरूर चांस मिला है, लेकिन ऐसे भी कई महिलाएं हैं जो संगठन में बहुत दिन से लगे हुई थी, पलामू के, लातेहार के, जमशेदपुर से, धनबाद से, ऐसी कई महिलाएं हैं जो लगातार संगठन के लिए काम करी थी, पिछले चुनाव में भी काम किया है, उनको भी मौका नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश ने सरकार के विरोध में, अगर क्योंकि अभी उनको लंबा लड़ाई भी लड़ना है, लगातार 3 साल तक रहना है, तो अब देखना ये होगा कि आखिर उनकी टीम जो है वो रिजल्ट क्या देती है। बिल्कुल, उनकी टीम क्या रिजल्ट देती है वो देखना होगा। हालांकि इससे पहले दीपक प्रकाश ने कहा था कि तमाम युवा, तजुर्बा और ऊर्जा के साथ काम करने वाले लोगों को जगह दी गई है, लेकिन इसका फलसफा क्या निकलेगा, किस तरह से ये टीम काम करेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अंजनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुंदन आपका शुक्रिया, और प्रभात आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश की नई कमेटी का गठन जरूर हो गया है, कई 2 दर्जन से ज्यादा चेहरों को, नए चेहरों को जगह दी गई है, युवाओं को जगह दी गई है, महिलाओं को जगह दी गई है, लेकिन देखना होगा कि इस टीम के आगे जो चुनौतियां हैं वो कैसे ये टीम पार कर पाती है। फिलहाल इस खबर खास में मेरे साथ बस इतना ही।